नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज वापस हम किचन में आ गए हैं। आप देख सकते हैं आज हम बनाने वाले हैं एक नया रेसिपी जो कि काफ़ी पॉपुलर है। आज हम बनाने वाले हैं घर पे ही होम मेड मोमोज, वेज मोमोज हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, एंड तक आपको वीडियो में बने रहना है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है और ऑल सेलेक्ट कर लेना है ताकि जो भी नया रेसिपी बने वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मोमोज, वेजिटेबल मोमोज। दोस्तों हम देख लेते हैं वेज मोमोज बनाने में क्या क्या सामग्री हमें लगने वाली है। तो दोस्तों, ये हमने ले लिया है पत्ता गोभी, ये हमने गाजर ले लिया है किसके, और ये शिमला मिर्च है, ये मिर्च है, ये लहसुन है और ये प्याज है। तो दोस्तों, पत्ता गोभी को हमने क्रश करके लिया है, गाजर को भी उसी तरह से, शिमला मिर्च को बारीक कट करके लिया है और साथ में हरा मिर्च और लहसुन और प्याज इसको भी बारीक कटिंग करके ले लिया है। तो चलिए, तो दोस्तों ये सभी सामग्री हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालना है, थोड़ा सा ऑयल हमें इसमें डालना है और इसको ढक के ढक देना है 10 से 15 मिनट ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। और इसके बाद में हमें बना लेना है मोमोज, जिसमें इसको स्टफिंग करना है। शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये हमने आटा गूंथ के लिया है मोमोज बनाने के लिए, जो कि ये मैदे से गूंथ के लिया है और इसको गूंदने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट भिगा के रखना है ताकि अच्छा सब भीग जाए। तो उस साइज से भी आप इस तरह से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसके दो चार स्टाइल अलग अलग है, जैसा आपको ठीक लगे या फिर इजी लगे उस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। मोमोज रेडी हो गए हैं, फाइनली हम इसको अभी बॉईल करेंगे। तो दोस्तों, हम इस मोमोज को बॉईल करने वाले हैं। हमने कढ़ाई रख दी है, पानी रख दिया है, उसके ऊपर हमें भी इसको छाननी में रखेंगे। ये छाननी आपके सामने है, छाननी के अंदर ये मोमोज रखेंगे, इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमने दो अलग अलग शेप में बना लिए हैं, आपको जैसा इजी जाए वैसा आप बना सकते हैं। खाली आपको दोस्तों एक ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से पैक करना है ताकि ये फटे ना। तो दोस्तों, कढ़ाई में जैसे हमने पानी गरम कर लिया है, उसके अंदर हमने रखा है मोमोज को, जो कि छानने के अंदर आपके पास अगर इडली पात्र है तो उसके अंदर भी आप इसको अच्छे से बॉईल कर सकते हैं। मोमोज दो तरह से होता है, जैसे कि एक उबाला जाता है वाप के ऊपर और दूसरा फ्राइड करके बनाया जाता है। आप अगर डीप फ्राइड खाने वाले हैं ऑयल में तो फ्राइड करके कर सकते हैं, या फिर आपको उसको उबालना है तो उबाल के भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, मोमो जैसे कि आप स्टफिंग इसका चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल बनता है, पनीर बनता है, चिकन बनता है, जैसा आपको बनाना है उस तरह से आप बना सकते हैं। काफ़ी सारी वराइटी इसके अंदर है और इसके साथ में आप जैसे कि सॉस बना सकते हैं, या फिर शेजवान सॉस आप इसके साथ ले सकते हैं, या फिर टोमेटो सॉस भी आप इसके साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आपके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एक बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।